बैडमिंटन में भारत के लिए जो शानदार खबर है वो ये कि सात्विक और चिराग ने इतिहास रच दिया है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में पुरुष डबल का खिताब अपने नाम किया। विमल मोहन है स्पोर्ट्स एडिटर, विमल इसकी अहमियत समझाइए। देखिए बड़ी बात है, जो 1000 सीरीज होता है ये मतलब टॉप लेवल का टूर्नामेंट है और उन्होंने मलेशिया पेयर को हराया वो बड़ी बात है। वर्ल्ड नंबर 6 है ये और इस साल जिस तरीके से वो जीत रहे हैं बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि बर्मिंघम में उन्होंने जीता था, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता था। ये जोड़ी ऐसी है कि अब तक बैडमिंटन में हम सिंगल्स के खिताब देखते आए हैं ओलंपिक गेम्स में, जो कि पीवी सिंधु ने जीता था या सायना नेहवाल ने जीता था। इस साल 2-3 महीने के बाद एशियन गेम्स है और इसके बाद ओलंपिक गेम्स है, तो ये जोड़ी भारतीय जोड़ी है। और लास्ट टाइम जो कि ओलंपिक में इन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था, एक ऐसी जोड़ी है जो कि कंसिस्टेंटली लगातार भारतीय बैडमिंटन का पताका ऊपर फहरा रही है और इससे आगे आने वाले टाइम्स में जो एशियन गेम्स है, ओलंपिक्स है, जहां पे इंडियन फैंस जिसको सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मानते हैं या कई कंट्रीज में, न सिर्फ इंडियन फैंस, जो कई कंट्रीज में जो ओलंपिक्स और एशियन गेम्स को सबसे बड़ा ये मुकाम माना जाता है, वहां पहुंच के ये जोड़ी दिखाई दे रही है और काफी प्रॉमिसिंग, काफी दिनों से लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही है। और जो एक डिजायर है, जो भूख है इन दोनों खिलाड़ियों में, चिराग और सात्विक में, जब से ये जोड़ी बनी है शानदार प्रदर्शन कर रही है, इसलिए इसे बैडमिंटन की दुनिया में और भारतीय बैडमिंटन के सर्किट में काफी अच्छा माना जा रहा है। शुक्रिया विमल इस पूरी बातचीत के लिए।